नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन मैं ड्यूएल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप का जो स्ट्रेटेजी को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अभी क्या हुआ, सुबह रात को मैंने एक आइडेंटिफाई किया था, लेकिन इतना जल्दी वो ट्रिगर हो जाएगा बोल के मेरे को आइडिया नहीं था। तो पहले मैंने क्या किया, अभी ये मेरा जो स्टेटस है व्हाट्सएप स्टेटस, वहां पे एक जस्ट अपडेट दे दिया सो डेट आप लोग इसको मॉनिटर कर सको, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पज। अभी आइए दे उसको दैट पर्टिकुलर सेटअप को हम डिस्कस करते हैं। ये रिलायंस का जुलाई फ्यूचर का डेली चार्ट है। यहाँ पे देखिए कि पहले ये अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में था, वहां से फिर नीचे आ चुका है। नीचे आने के बाद ये सेंटर बैंड में कल जाके वेट किया था। आज सुबह से ही ये सेल ऑफ का ट्रिगर था। तो यहाँ पे जब हम आवरली पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके लो के नीचे ये ट्रिगर हो जाएगा एंड इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और आपका जो टारगेट है ये लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड। तो इसीलिए इसमें यहाँ के आसपास आपका 2560 पे इनिशिएट हुआ ट्रेड, स्टॉप लॉस 2620 का है एंड टारगेट है 2450। उसी वीडियो को मैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हम जाएंगे इसको आवरली चार्ट पे। आवरली पे हम अगर देखेंगे तो एक आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है। जैसे ही इसके लो के नीचे क्लोज दे दिया या सस्टेन हो गया, क्योंकि ये बहुत ही रैपिडली नीचे आ रहा है, तो मेरा टारगेट था ये वाला लेवल के नीचे सेल करना। तो इसीलिए जो आपका स्टेटस में देखोगे कि मैंने ये था कि इंडिकेशन 2560 पे सेल के लिए एंड टारगेट इज 2450, दैट इज 110 रुपीज, और आपका स्टॉप लॉस है 60 रुपीज का। तो यहाँ पे देखते ही देखते इतना रेपिडली ये नीचे आ जाएगा, मेरे को भी ख्याल नहीं था। तो ये बेसिकली मैं किसी को ट्रेडिंग टिप्स देने के इरादे से मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरा एक ही इंटेंशन है सो डेट यू गाइस कैन लर्न द सेटअप। तो आप वन मोर थिंग, आप सोचोगे कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग कॉल्स ही देता हूं, तो आप यहां पे देखोगे कि मैंने ये 2556 पे सेल किया था वन लॉट एंड 2519.30 पे बुक कर लिया है। इट्स ए वेरी स्मॉल प्रॉफिट ऑफ 9000 रुपीज। मेरा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने का कोई इरादा नहीं है, जस्ट टू शो दैट मैं जो प्रीच करता हूं वही प्रैक्टिस भी करता हूं। यानी मेरा ये वन ऑफ द बेस्ट प्रिफर्ड स्ट्रेटेजी है। और आप देखोगे कि मैं जब भी कुछ करेंसीज रिलेटेड में कुछ ट्रेडिंग कॉल्स देता हूं, जैसे पिछले 2-5 साल से जब भी जिन्होंने मेरे को क्लोजली जानते हैं, तो सडनली 1-2-3-4 महीने के अंतर अंतर में मैं कुछ ट्रेड कॉल देता हूँ एंड दोस कॉल्स आर सरप्राइजिंग कॉल्स एंड ज्यादातर 100% फेवर में नहीं जाता है। ये आपका 70-75% सक्सेस रेशियोज है, डेट इज वाई आई मिस ऑलवेज मेंशन द स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस रहेगा तभी आपका कैपिटल बचा रहेगा एंड देन एंड ओनली देन यू कैन थिंक अबाउट द नेक्स्ट ट्रेड। तो यहाँ पे वही है कि मेरा टारगेट यहाँ पे है जो ऑलमोस्ट आ चुका है। बोलते ही बोलते ये वीडियो बनाते बनाते ही 2450 का आ जाएगा। एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट द न्यूज, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आर गोइंग ऑन इन रिलेटेड टू इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, मेरे को कुछ पता नहीं है, हवा भी नहीं है। बट ये जो स्ट्रेटेजी है, हाउ कैसे ये काम करता है, कभी कभी ये काफी तेजी से नीचे की तरफ आता है, कभी कभी ग्रेजुअली ये टारगेट
टारगेट की तरफ आता है एंड 20-30% केसेस में स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होते हैं। तो ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूं जस्ट टू डिस्प्ले कि स्ट्रेटेजी कैसे बनता है एंड उसको मॉनिटर कैसे किया जाता है एंड उसको ट्रेड कैसे किया जाता है। और मैंने जो यहाँ पे जो ट्रेड दिखाया जस्ट टू शो एक कि मैंने भी इसमें ट्रेड लिया है। एंड ये देखिए जब तक मीन्स मैं वीडियो पोस्ट करूंगा शायद ये 2450 का लेवल भी आ जाए, रीच कर जाए, अभी है 2467। तो ये जो ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड आपको डिस्प्ले करने के लिए कि ये सेटअप कैसे होता है एंड इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका एग्जीक्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका स्टॉप लॉस। आप जब भी मेरा कुछ ट्रेडिंग के बारे में बात सुनोगे तो ऑलवेज बिफोर एंटरिंग ए ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड हो जाता है, चाहे आई एम वेरी हैप्पी टू गिव द स्टॉप लॉसेस क्योंकि दीज स्टॉप लॉसेस आर जस्ट लाइक द फीस दैट वी पे टू द मार्केट टू लर्न समथिंग। क्योंकि यहां पे मैं अगर स्टॉप लॉस रखता हूं एंड अनफॉर्चुनेटली अगर अगेंस्ट में भी जाता है मेरा एग्जिट है 60 रुपीज का स्टॉप लॉसेस। अगर अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर हो जाता है आई एम सेफ, नहीं तो ये 2620 के जगह पे 2800 भी जा सकते हैं, 3000 भी जा सकते हैं इफ सम गुड न्यूज आर देयर। एंड ऑल्सो द टारगेट इज दैट जे 2450 का मैंने टारगेट दिया, लेकिन ये टारगेट जो है दर्जी के नाप के तरह या नासा के साइंटिस्ट के परफेक्ट माइक्रो सेंटीमीटर मिली सेंटीमीटर उस टाइप के नाप वाला काम नहीं है। ये मार्केट है, यहाँ पे ये 2450 आ भी सकता है, 2450 के नीचे भी जा सकता है या आपका ये जो लो मारा है 2463 वहीं से भी बाउंस कर सकता है। सो द टारगेट मैं अगर बोलता हूं कि 2450 है, डोंट एज्यूम दैट इट इज 2450। इन सच ए केस आप उसको ट्रेल कर सकते हो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2556 में सेल किया एंड 2519 पे टीपी कर लिया। टीपी कर लिया इसीलिए टीपी कर लिया बिकॉज मेरे को कुछ और अदर ट्रेड्स में फोकस करना है। ज्यादा ट्रेड्स में फोकस करेंगे तो क्या होता है कि मींस डिसीशन लेने में इश्यूज हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड लाइव मार्केट एनालिसिस ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। Wish you a very good day. Thank you.